सो ही गाइस, मार्केट में लॉन्च हो गया है Redmi की तरफ से आने वाला Redmi 12C। तो गाइस ये जो फोन है ना, ये मतलब मैं देखना चाहता था कि बाकी यूट्यूबर्स को जब कंपनी फोन देगी तब तो वो इस फोन के बारे में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे गाइस मतलब पॉजिटिव रिव्यू देना है समझ में आता है, बट किसी फोन में कुछ पॉजिटिव होना भी तो चाहिए। आप लोग मतलब जो फोन एकदम से ज़्यादा नेगेटिव है लेकिन आप लोग उसको एकदम से पॉजिटिव बनाकर वीडियो बना रहे हो, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। लाइक Redmi Note 12C एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, मैं इसका वीडियो पहले भी दे सकता था लेकिन मुझे देखना था कि आखिरकार जिनको कंपनी जो है फ़ोन भेजेगी वो किस टाइप का वीडियो बनाते। तो यहाँ पे गाइस जिसको भी फ़ोन मिला है वो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मुझे बहुत पसंद आया, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बस यही बोल रहा है भाई उसमें अच्छा क्या है ये तो आप लोग देख लो। कई लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन कई लोग कुछ ज़्यादा ही बकवास काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाओ, इतना लालच अच्छा नहीं है। ये मतलब जो आपका वीडियो देख रहे हैं वो उनका पैसा है, नो डाउट रेडमी का फ़ोन है बहुत बिकेगा, लेकिन जितने लोग अवेयर हो सके एटलीस्ट उतने को तो हम कर दें। रेडमी 12C स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है और अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पोको C55 स्मार्टफोन देख लिया है तो सेम फ़ोन है, सेम फ़ोन 64 GB खरीद लो फ़ोन है, कोई भी चेंज नहीं है। बस जो पोको C55 में उसका बैक जो है वो थोड़ा सा लेदर फिनिश के साथ आता है, लेकिन वो लेदर नहीं, वो प्लास्टिक का ही है, बस उसमें डिज़ाइन थोड़ा सा ऐसा किया, टेक्सचर वगैरह डाल दिया गया जो थोड़ा सा फील लाइक अ लेदर लगता है, बट वो लेदर बैक नहीं है। हाँ, पर थोड़ा सा प्रीमियम लगता है हाथ में लेने में। तो कैसे इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मार्केट में इतने सारे फ़ोन है ना अंडर 10,000, यहाँ पे Redmi हो गया 12C, यहाँ पे पोको C55 हो गया, मोटो अभी G13 कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, तो मैं सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, वीडियो पूरा देखना आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। Redmi 12C स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, 6.7 इंच का डिस्प्ले है, MediaTek Helio G85 प्रोसेसर है, बैक में 50 MP का कैमरा है और एक जो है वो यूज़फुल नहीं है, सामने में सिर्फ 5 MP का कैमरा है। नो डाउट यहाँ पे 6.7 इंच का एक HD+ डिस्प्ले है, फुल HD नहीं है, 90Hz भी इसमें नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, HD+ डिस्प्ले तो है बट ये जो डिस्प्ले की क्वालिटी है अदर कोई HD+ डिस्प्ले वाला फ़ोन आता है उससे बेहतर है। मैंने अपने हाथ में पोको C55 यूज़ किया है, मुझे बेहतरीन लगा वो, बेहतरीन इन द सेंस जो अदर्स जो फ़ोन आते हैं जिसमें HD+ डिस्प्ले होता है, कोई भी ब्रांड का आप फ़ोन ले लो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर मैं बोलना चाहूँगा। मुझे अच्छा लगा, काफ़ी सॉलिड टाइप का फील आ रहा था और डिस्प्ले की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। बट यहाँ पे गाइस आपको जो है ना माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, 10W का चार्जर देखने को मिलता है, 5000mAh बैटरी मिलता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाइस ये एक 4G फ़ोन है, माइक्रो USB पोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंट कर सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे सिंगल स्पीकर है, स्पीकर की क्वालिटी नो डाउट थोड़ी सी बेटर है किसी अदर ब्रांड का फ़ोन जिसपे सिंगल स्पीकर है, उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो उससे बेहतर स्पीकर यहाँ पे दिया गया है। बट यहाँ पे Redmi को ये नहीं पता कि उसके कॉम्पिटिशन में एक स्मार्टफोन है जिसका नाम है मोटो G13 स्मार्टफोन, जो गाइस काफ़ी ज़्यादा कातिलाना प्राइस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ है। जैसा कि कल मैंने इसका वीडियो आपको दे दिया है, अगर आपको नहीं पता उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी गाइस इस वीडियो में आपको बता दूँ, उसमें आपको एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है लेकिन उसमें आपको 90Hz का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे Redmi 12C में नहीं है। और वहीं पे गाइस उसमें जो है आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, डॉल्बी का सपोर्ट है स्पीकर में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, Type-C पोर्ट है, पीछे का जो बैक है नो डाउट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको लगेगा, बॉक्सी डिज़ाइन है, वहाँ का कैमरा काफ़ी अच्छा है, फ्रंट में 8 MP, बैक में 50 MP का कैमरा है और साथ में 2+2 MP का दो कैमरा मिलेगा। अब वो दो दो को छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे दोनों कैमरा काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। फ्रंट कैमरा रेजोल्यूशन की यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे मोटो में 8 MP है और रेडमी 12C या फिर पोको C55 में 5 MP है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों के फ्रंट कैमरे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मेगापिक्सल थोड़ा सा हाई होने की वजह से मोटो का माइनर अच्छा आपको बोल सकते हो, लेकिन 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि मोटो का 8 MP और रेडमी का जो 5 MP है सिमिलर सा ही आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। फिर भी अब मेगापिक्सल ज़्यादा है, नंबर्स ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बेहतर मोटो का हो सकता है यहाँ, ये बात आप अपने अंदर में रख लेना। यहाँ पे गाइस मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप जो है Redmi 12C खरीदने का सोच रहे हो तो एक बार मोटो G13 मोटो G13 स्मार्टफोन देख लेना, उसका प्राइस 10,000 रुपये है लेकिन वो बहुत बेहतरीन प्राइस के साथ लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आपको Redmi 12C 9,000 रुपये का देखने को मिलेगा, 8,999 रुपये, वहीं पे पोको C55 भी आपको 8,500-9,000 रुपये में देखने को मिलेगा, 4 64 GB, वहीं पे यहाँ पे पोको C55 का 6 128 GB है जो 10,050 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। 10,050 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Flipkart वाहियात टाइप का पैकिंग का 50 रुपये एक्स्ट्रा लेता है जो मुझे कतई भी पसंद नहीं है।
उससे अच्छा पैकिंग अमेजोन और ये लावा जैसे ब्रांड वो फ्री में करके देते हैं, ऊपर से पन्नी चढ़ा के देते हैं और अच्छा ज़्यादा सिक्योर पैकिंग मुझे लगता है, और जो कि फ्री का होता है। तो फ्लिपकार्ट वालों थोड़ा सा समझ जाओ यार, आप लोग कुछ भी कर रहे हो, लूट रहे हो। तो G13 और ये पोको C55 और ये Redmi 12C तीनों फ़ोन को साइड में रखते हैं। वीडियो Redmi 12C के ऊपर है, तो Redmi 12C का मैं आपको एक अल्टरनेटिव स्मार्टफोन बताना चाहता हूँ जो कि मेरे हाथ में है। ये है मोटो G31 स्मार्टफोन। इसमें भी मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर है, और जिस भी फ़ोन का मैंने अभी तक बात किया सब में सेम प्रोसेसर है, मीडियाटेक हेलियो G85। ये फ़ोन 4/64 GB अगर आप खरीदोगे तो आज के डेट में ये फ़ोन 9,500 रुपये का आपको मिलेगा। मेरे पास भी सेम स्पेसिफिकेशन है, सेम वेरिएंट है, और मैंने इसको 13,000 या 12,000 रुपये में खरीदा था जब ये लॉन्च हुआ था, तो उस प्राइस में लॉन्च हुआ था। नो डाउट इसको फ़ोन को लॉन्च हुए 1.5 साल हो चुके हैं। फ़ोन है ना ये मतलब एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जिसको मोटो पी एमोलेड बोलता है। साथ में 1080p फुल HD डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है, डॉल्बी सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साइड में जो है मोटो G30 में मिलेगा, वो जो रियल ट्रेंड है। बट यहाँ पे पोको, रेडमी और ये मोटो G31 तीनों में सेम बैक में आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब रियल ट्रेंड की अगर बात करें तो वो मोटो G13 जो साइड माउंटेड आज के डेट में चल रहा है वो बेहतर है। लेकिन यहाँ पे आपको बैक में 3 कैमरा मिलेगा, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल, साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल रहा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, वाइड एंगल बोल सकते हैं बैक। यहाँ फ्रंट में वही 8 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट पे सेल्फी कैमरा मिल रहा है। फुल HD है, डॉल्बी इसमें भी है, एमोलेड है। तो ये सब चीज़ ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 के साथ लॉन्च हुआ था, एंड्रॉयड 12 इसमें आ चुका है, और वैसे भी पर्सनली मैं सॉफ्टवेयर अपडेट को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फ़ोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। बोलना चाहता हूँ कि अगर आप Redmi 12C स्मार्टफोन या फिर Poco C55, दोनों एक ही मतलब है लेकिन ये वीडियो Redmi 12C के ऊपर है, तो अगर आप Redmi 12C स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हो तो एक बार इस वाले स्मार्टफोन के ऊपर देख लेना, अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट से मतलब नहीं है। क्योंकि गाइस होप ये जो फ़ोन है ना, इसका ये लास्ट एंड्रॉयड 12 अपडेट था, इसके बाद जो मेजर अपडेट नहीं आएगा, हो सकता है सिक्योरिटी पैच आएगा, बट होप इसमें ये लास्ट अपडेट है, क्योंकि मोटोरोला हमेशा एक मेजर अपडेट का प्रॉमिस करता है बजट स्मार्टफोन में। तो पर्सनली मेरा मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि अपडेट में कुछ फीचर्स तो आते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ बग्स आ जाते हैं और जो फ़ोन को और ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं है सॉफ्टवेयर अपडेट, और मैं बहुत सारे लोगों को मना भी करता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट मत करो, चाहे वो कोई भी ब्रांड का फ़ोन हो। यहाँ पे सैमसंग ले लो, मोटो ले लो, रेडमी ले लो। अभी आप लोग सुन रहे हो कि रेडमी जो नोट 10 सीरीज़ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अभी जस्ट आज कल की बात है, और जिसने भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया उसका फ़ोन ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। तो मैं कंपनी के मुंह में बोलता हूँ, कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट देती है आफ्टर 4 ईयर 2 ईयर के बाद, जब उसका वारंटी ख़त्म हो जाता है, जब कंपनी चाहती कि नहीं हो गया, बहुत हो गया, ये फ़ोन आप चला लिए, अब दूसरा फ़ोन खरीदने का सोचो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के आप लोग अपडेट ऐसा देते हो। मैं कई बार सैमसंग से मेरे इसके ऊपर लड़ाई भी हो चुकी है पर्सनली, लेकिन सैमसंग सुनने को ही तैयार नहीं है, और ये हर ब्रांड के साथ ऐसा ही है। तो पर्सनली मेरा ये मानना है सॉफ्टवेयर अपडेट मुझे पसंद नहीं है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट से कोई लेना देना नहीं है तो आप इसके बारे में एक बार सोच सकते हो, मोटो G30 में 6000 mAh बैटरी इसमें भी है, लेकिन 20W का चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा फील कराएगा कि 20W बहुत ज़रूरी है अगर फ़ोन में 5000 mAh का बैटरी है। बिकॉज 10W का चार्जर से अगर आप 5000 mAh बैटरी चार्ज करोगे ना, तो आपका 2.5 घंटा से ज़्यादा लगने वाला है, तो वो मतलब मैटर करता है 2.5 घंटा से ज़्यादा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको सजेशन दे दिया। Redmi Note 12C मेरे हिसाब से खरीदने लायक नहीं है, खरीद सकते हो, खरीदने लायक नहीं है इन द सेंस उसमें माइक्रो USB पोर्ट मिलता है जो आज के ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। बाकी Poco C55 या फिर Redmi Note 12C अगर आप Redmi फ़ैन हो तो आप खरीद सकते हो, बट माइक्रो USB पोर्ट थोड़ा सा मन में खटक रहा है। मैंने पर्सनली फ़ोन यूज़ किया है, मुझे ठीक ठाक लगा फ़ोन, प्राइस को थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस प्राइस में आपको अभी भी बेटर ऑप्शन देखने को मिलते हैं अगर आप 500 रुपये और ऐड करोगे लाइक ये वाला फ़ोन। हमेशा मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हो बजट में या फिर कोई भी रेंज में, तो 1000-2000 रुपये अगर आप ऐड करोगे तो स्मार्टफोन की दुनिया में पूरी दुनिया बदल जाती है। तो अब सिलेक्शन आपका है, पसंद आपका है, मेरा सजेशन था, मैंने आपको दे दिया। Redmi Note 12C खरीद सकते हो आपका अगर मन है, बट एक बार आप ये फ़ोन भी बारे में भी सोच लेना खरीदने से पहले, फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी स्मार्टफोन खरीद सकते हो। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।